बनाएंगे मिनीचर बेड, और उसके लिए हमने लिया है ये लाइटर स्टैंड। और ये लाइटर स्टैंड आपको ना मिले तो आप थर्माकोल यूज़ कर सकते हैं, आपको स्टेशनरी मिलता है, वैसे ये वेस्ट मटेरियल है। और इसकी इसका साइज लेके हम एक फोम काटेंगे, फोम शीट काटेंगे, तो हम ये है हमारा 4.5 ये वाला पॉइंट, और ये हमारी लंबाई इसकी है 2 पॉइंट ज़्यादा। तो इसके हिसाब से हम काट लेंगे, ये हमने पहले से काट के रखा है इसी के साइज़ का फोम, और हमने फैब्रिक भी काट लिया है इस पे चढ़ाने के लिए, इसका कवर करने के लिए। तो ये देखिए ऐसा है, तो इसको हम डबल चढ़ाएंगे, इसको हम रोल करके चढ़ाएंगे, इसलिए हम पहले इसको कर लेते हैं। इसको हम खींच खींच के, ज़्यादा खींचेंगे भी नहीं, थोड़ा ज़्यादा लूज रखेंगे इसको। अभी हमारे बेड का ये गद्दा तैयार है। अब हम ये अपना बेस लेंगे और इस पर हम पहले चिपका देंगे। अब ग्लू लेते हैं हम। बेड हमारा तैयार है, अभी इतना हमें ये स्टिक हो गया है। अब हम इसका हेडबोर्ड की तैयारी कर लेते हैं, फिर हम इसके साइड्स की तैयारी करेंगे। हेडबोर्ड हम काट ले, तो मैं पहले से एक हेडबोर्ड के लिए साइज़ काट रखा है। यह मैंने यहाँ से इसको ऐसे पेपर रखा, पंच पेपर बेकार पेपर लिया है कि हम ये इसको दफ्ती में काटेंगे, तो ऐसे लिया हमने। और यहाँ पे और यहाँ पे मार्क लगा लिया, दोनों को मिडल में ला के ऐसे मोड़ दिया मैंने, दोनों को मिडल में ला के मैंने ऐसे मोड़ दिया, और ऐसे ये डिज़ाइन बना दिया जो मुझे डिज़ाइन चाहिए था, और ऐसे डबल हो गया, दोनों तरफ सही डिज़ाइन हो गया। अब ये ऐसे लगा देंगे हम, पेपर पे काट लिया हमने, इसी को दफ्ती पे काट लिया पहले से, यही सेम डिज़ाइन दफ्ती पे इसको रख के मार्क बना के और फिर काट लिया हमने, क्योंकि दफ्ती पे डायरेक्ट बनाना ईजी नहीं होता। हम इसको यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे हम फोम शीट लगाएंगे एक, इसको फैब्रिक से कवर करेंगे और फिर इस पर स्टिक करेंगे। पहले हम फ्रिल बना लेते हैं, यहाँ पे साइड्स में लगाएंगे फ्रिल बनाएंगे, तो उसके लिए हम रिबन ले लेते हैं। ये सैटन का रिबन है और ये स्वेदर का ले लेते हैं।
इसको यहाँ डालेंगे। ऐसे हम करते जाएंगे, ऐसे हम आगे पीछे, ऐसे फुल बनेगा, ऐसे पूरे हमें करते जाएंगे। ऐसे फुल बनेगा, ये फुल हमने बना ली है, इतनी फिल बना ली। अब हम इसमें चिपकाना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो ये हम बिल्डिंग ले लेते हैं, ऐसे करके हम यहाँ से ऐसे करके चिपकाते चले जाएंगे। हमने फिर लगा दी है तीनों तरफ, फिर लगा दी। ये जगह छोड़ी है, ये जगह इसलिए छोड़ी है क्योंकि यहाँ पे हेडबोर्ड आएगा, इसलिए ये जगह छोड़ के बाकी तीनों साइड्स में हमने फिर लगा दी है। अब यहाँ पे हम हेडबोर्ड की तैयारी कर लेते हैं। हेडबोर्ड हमारा कटा कर रखा ही है, तैयार करेंगे इसमें। यहाँ पे हम फोम शीट लगाएंगे, सिर्फ इतने हिस्से में लगाएंगे, नीचे वाले हिस्से में नहीं लगाएंगे। इसको साइड में कर देते हैं, फोम शीट चिपकाएंगे। ये हम ऐसे चिपका देंगे। ये चिपक गया, अब हम इसको शेप में काट लेंगे। शेप में ये अब ऐसे दिख रहा है, ये यहाँ लगेगा ऐसे। अब हम इसमें फैब्रिक चिपका लेंगे, फैब्रिक को दोनों तरफ से चिपका लेंगे और शेप में काटेंगे, शेप में काट के चिपकाएंगे। तो पहले हम यहाँ ग्लू लगा लेते हैं, पहले हम यहाँ ग्लू लगा लेते हैं। बिल्कुल हल्के हल्के हाथ करके इसको शेप में काट लिया है। अब हम यहाँ आगे करेंगे, आगे चिपकाएंगे। अब हम ऐसे ही आगे भी चिपका के शेप में काट लेंगे।
ये स्टिक हो गया है, अब हम इसको इधर से भी शेप में काट देंगे। इसको काट के काट लिया है शेप में। अब हम इसमें यहाँ पे बॉल चेन लगाएंगे, यहाँ साइड्स में बॉल चेन लगाएंगे। ये हम बॉल चेन लगा रहे हैं यहाँ पे। बॉल चेन लगा दिए। यहाँ तक बस, यहाँ और यहाँ नहीं लगाएंगे, और यहाँ नहीं लगाएंगे क्योंकि ये हमारा चिपक जाएगा। यहाँ तो लगना ही नहीं, यहाँ ये चिपक जाएगा हमारा। अब यहाँ हम एक ऐसे बना लेते हैं बॉल चेन से, लगा के बॉल चेन चिपकाया है डिज़ाइन देने के लिए। ये हमारा हेडबोर्ड पूरा हो गया। अब हम इसको बेड से जोड़ देंगे, अटैच कर देंगे। तो उसके लिए ये हमारा बेड तैयार है। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।